सरकार ने एक बार फिर प्राइवेट स्कूल संचालकों पर नकेल कसने की तैयारी की है। शुक्रवार को शिक्षा, आरटीओ, यातायात और बाल कल्याण समिति की संयुक्त बैठक ली गई। इसमें बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और परिवहन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला शिक्षा अधिकारी के डोंगरे ने बताया कि निजी स्कूलों में ज्यादातर बस्ते के भारी बोझ की शिकायत सामने आती है। संचालकों को हिदायत दी है कि शासन के मानक अनुरूप ही किताबें लगाई जाए, अन्यथा कार्यवाही होगी। इसके अलावा उन्हें बच्चों के यौन उत्पीड़न, स्वास्थ्य जैसे विषयों पर भी जानकारी दी। सरस्वती विद्या मंदिर बीटीआई रोड पर आयोजित कार्यक्रम में परिवहन क्षेत्रीय अधिकारी बरखा गौड़, बाल कल्याण समिति की सुधा मोयदे, यातायात प्रभारी दीपेंद्र स्वर्णकार, जिला शिक्षा अधिकारी के डोंगरे सहित स्कूली संचालक प्राचार्य मौजूद रहे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जिले में संचालित अशासकीय विद्यालय जिनकी संख्या 528 के लगभग है, इनकी बैठक हर वर्ष होती रहती है, वर्ष में 2-3 बार होती है और शासन के जो नियम निर्देश होते हैं उनको अवगत कराया जाता है। अभी मुख्य रूप से ये बैठक हमने 2-3 बिंदुओं पर रखी है। एक तो जो बच्चे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनके परिवहन की सुरक्षा कैसे की जाए, और ये जो बसेस चला रहे हैं इन बसेस के क्या रूल्स रेगुलेशन हैं, इसके लिए हमने एआरटीओ मैडम को और जो है ट्रैफिक सर को बुलाया है, ट्रैफिक अधिकारी को, और साथ में जो बच्चों के साथ जो यौन उत्पीड़न होते हैं आए दिन हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, तो ऐसी स्थितियां निर्मित ना हो संचालक, प्राचार्य, शिक्षकों को पूरा ध्यान रखना है। इसके लिए जो है हमने बाल कल्याण के अधिकारी और उनके सदस्यों को बुलाया है। साथ में जो हमारा बस्ते का बोझ है, जो शासन के निर्देश आए हैं, माननीय न्यायालय ने भी जो हमें निर्देश दिए हैं, तो बस्ते के बोझ को भी जो है एक सीमित जो मानक है उसी के अनुसार रखा जाए, अनावश्यक बच्चों को ज़्यादा बोझ वाले बस्ते नहीं दिए जाए। साथ में अन्य गतिविधियों की भी हमारी चर्चा हुई है और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी अशासकीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं वो व्यवस्थित रूप से संचालित हों, बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा का विशेष ध्यान हो। इसी बीच में हमने डॉक्टर भट्ट साहब को भी आमंत्रित किया था जो जिला टीकाकरण अधिकारी हैं। उन्होंने अभी जो वर्तमान में शासन के जो निर्देश हैं, जो टीकाकरण हो रहा है 5, 10 और 16 आयु के वर्ग के बच्चों को, और जो हमारा जो कोविड के टीकाकरण लग रहे हैं वो, इसके साथ में जो अभी कृमि सप्ताह हमारा मनाया जा रहा है, वो आगे हमारा जो है फोलिक एसिड वाला जो होगा, तो वो सब जानकारी हम प्राइवेट स्कूलों को दे रहे हैं। ग्रुप के माध्यम से भी देते थे लेकिन चूँकि आज बैठक के माध्यम से हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे इसके लिए। ये सभी हमारे अशासकीय विद्यालय के प्राचार्य हैं, संचालक हैं, उप प्राचार्य लेवल के अधिकारी बैठे हैं यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।